ओके हेलो नमस्कार बच्चों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक है जो मुझे पता है सारे बच्चे बहुत बेसब्री से वेट कर रहे होंगे आप कि कैलकुलस कब स्टार्ट होगा। सो वी आर स्टार्टिंग विद द कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी। जैसा आपको पता है बच्चे कि कैलकुलस में क्या है, अभी हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैलकुलस में इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों पार्ट आता है, तो हम सब डिफरेंशिएशन पार्ट पढ़ेंगे। और डिफरेंशिएशन आपको पता है बच्चे ये चैप्टर नंबर 5 में है। ठीक है, कौन से 5 में? चैप्टर नंबर 5 हम इस पार्ट को कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में ओवरऑल बहुत सारे एक्सरसाइज है, टोटल आप देखोगे तो 11 एक्सरसाइज आपको मिलेंगे। सो इसमें हम पहले क्या करेंगे, डिफरेंसिबिलिटी और कॉन्टीन्यूटी का पार्ट ध्यान से सुनो। डिफरेंसिबिलिटी और कॉन्टीन्यूटी का पार्ट हम एक साथ करेंगे, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में। और जो सेकंड वाला वीडियो होगा उसमें हम डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, तो दूसरा वीडियो होगा ओवरऑल। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज, हम एक ही एक्सरसाइज में, एक ही वीडियो में इन सबको कवर नहीं कर सकते, दैट्स वाई मैंने इस पार्ट को अलग रखा है और डेरिवेटिव वाले पार्ट को अलग रखा है। अब आप सोच रहे हो डिफरेंसिबिलिटी और कॉन्टीन्यूटी कितने मार्क्स कवर करते हैं, तो बच्चे ये मैक्सिमम 3-4-5 मार्क्स तक भी कवर करता है। और आपको पता है कि डेरिवेटिव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कैलकुलस का पार्ट होता है। सो यहाँ से तो 10-11 मार्क्स तो आप लेकर ही चलो, है ना, और 3-4-5 मार्क्स नहीं है। तो हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, हम डिफरेंसिबिलिटी और कॉन्टीन्यूटी स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है 1 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, टोटल हम 11 क्वेश्चन कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी में, इसलिए मुझे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, टोटल 11 क्वेश्चन होंगे। अब ये देख लो, सोर्सेज ये है, मैंने ये सारे क्वेश्चन इन सोर्सेज से निकाले हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो 2021 में बनाया, ये सारी चीज़ आप रीड कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है क्वेश्चन करना हमारे लिए। एक्सरसाइज 5.8 हैज़ बिन डिलीटेड बाय द CBSE। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आप इस क्वेश्चंस को करके ही आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको जब क्वेश्चंस मिलेंगे आप इसको सॉल्व कर पाओगे, तब जाके आपको रियलाइज होगा कि हाँ अब हम किसी पॉइंट पे आ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट द कैलकुलस पार्ट, कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ये नहीं है, डिफरेंशिएशन दूसरी वीडियो में बनेगा। नाउ प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो और नॉट। ठीक है, हमें ये पार्ट प्रूव करना है कि प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो और नॉट। देखिए, आप लोगों को पता है कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें यहाँ पे चेक करना पड़ता है। ठीक है, और एट द पॉइंट, ठीक है, एट द पॉइंट को आप क्या सपोज कर लो, एफ ऑफ ए, है ना, उसी पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ता है, एक तो उस पॉइंट से पहले, एक उस पॉइंट के बाद और एक उसी पॉइंट पे। ठीक है, तो 3 चेकिंग पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, 3 चेकिंग पॉइंट्स, कितने पॉइंट होते हैं, 3 चेकिंग पॉइंट्स फॉर प्रूविंग दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। क्या चेक करते हैं, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, आर लेफ्ट हैंड लिमिट, आर राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे आप चेक करो, अगर तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम पहले LHL फाइंड करते हैं। देखो इधर लेफ्ट हैंड में LHL में क्या करोगे, इसको डिनोट कैसे करते हैं, एफ ऑफ ए माइनस। ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस, ए की वैल्यू हमारे पास क्या, एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, या फिर आप पहले पूरा फंक्शन ही नोट कर लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम क्या नोट कर रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं क्या, जीरो माइनस, क्योंकि हमें कौन सा पॉइंट पे चेक करना है, जीरो वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, नाउ एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच, जीरो माइनस का मतलब ही क्या होता है, एक्स की जगह पे आप क्या पुट करोगे, जीरो माइनस एच। तो चलो भैया एक्स की जगह पे जीरो माइनस एच पुट कर दो, और चूंकि एक्स का स्क्वायर है, एक्स की जगह पे जीरो माइनस एच और उसका स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो सी दिस माइनस का एच स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एच स्क्वायर, और एच टेंस टू जीरो। ठीक है, एच टेंस टू जीरो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल जीरो आएगी वैल्यू आपके पास, LHL क्या आ गया, जीरो। ठीक है, एक्स टेंस टू जीरो माइनस है, ये सब सिम्बॉल्स बहुत ज़रूरी है, आप इसको याद रखें। नाउ राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ, जीरो प्लस एच, मैं इसको डायरेक्ट कर दूँ, है ना, इसको मैं डायरेक्ट जीरो प्लस एच कर दूँ, जीरो प्लस एच का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एच स्क्वायर, और एच टेंस टू, यहाँ पे फंक्शन में क्या है, एच टेंस टू जीरो, तो भैया एच टेंस टू जीरो, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो। राइट, आराम से समझते चलो। ठीक है, कोई ये सेम मैंने यही पार्ट करा, एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, जीरो प्लस एच, क्यों जीरो प्लस एच क्यों पुट करा, क्योंकि RHL है राइट हैंड लिमिट, जीरो से थोड़ा सा बाद, सपोज कर लो ये जीरो का पॉइंट है, तो जीरो से पहले वाला क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और जीरो से बाद वाला क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, और एग्जैक्ट पॉइंट पे। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट मतलब इसी लाइन पे क्या होता है वैल्यू, वो एफ ऑफ ए है ना। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करके देख लो सीधा, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करो फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो पुट कर लो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। देख लो तीनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम, ऑल वैल्यूज आर सेम, इट मीन्स द एक्स स्क्वायर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर, किसी भी पॉइंट के लिए एक्स स्क्वायर का फंक्शन जो है वो डिफाइनेबल होता है। ठीक है, इस पार्ट को आप नोट कर ले, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ इसके रिगार्डिंग, है ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात मैं आपको बता दूँ, पहले नोट कर लो आप इसको।
चलिए बच्चे, कुछ नोट पॉइंट्स आप नोट कर लें, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाना, नहीं तो आपके दिमाग में पल्ले नहीं पड़ेगा डायरेक्ट क्वेश्चन करने से, है ना बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये नोट पॉइंट मैं इसलिए नोट कर रहा हूँ कि आप नोट करें कि पॉलीनोमियल फंक्शन, नोट कर लें कि पॉलीनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एट एवरी, दिस इज अ साइन ऑफ एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। पॉलीनोमियल फंक्शन का मतलब देख लो, फंक्शन गिवेन हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर फोर डैश डैश डैश, एक्स टू द पावर एन, इस टाइप का कोई भी फंक्शन हो और आपसे पूछे कि किसी भी पॉइंट पे वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो हमेशा आप क्या बोलोगे, हाँ भैया ये कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में सपोज करो एक क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आप सीधा बोल देना हाँ भैया ये सीधा क्या है, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, पॉलीनोमियल फंक्शन, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अब ज़्यादा डीप में बच्चे जाने की कोशिश ना करो, है ना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतना डीप हम यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया है ना, नाउ सेकेंड पॉइंट पर आ जाओ, एग्जाम्पल मैंने आपको सेकेंड पॉइंट पर कि मोड फंक्शंस, ठीक है, मोड फंक्शंस, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब देख लो मोड एक्स की जगह पे क्या क्या हो सकता है, देखिए एग्जांपल, मोड एक्स की जगह पे हो सकता है भैया साइन ऑफ मोड एक्स हो, या फिर मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, मोड एक्स है, या फिर आप सपोज को लेक्स एक्स स्क्वायर का मोड एक्स है, या फिर एक्स क्यूब का मोड एक्स है, या फिर कॉस एक्स का मोड एक्स है। देखो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जिसमें मोड के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे रखा तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। अगर आपके पास एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप उसको एलिब्रेट कर दो, और एलिब्रेट करने का मेथड मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे ब्रेक करते हो, और लास्ट में आप एक स्टेटमेंट नोट कर दोगे कि भैया ये क्या है, चूँकि पॉलिनोमियल फंक्शन है ये वाला इसलिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, और मोड फंक्शन है इसलिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिए, और तीसरा पॉइंट आप नोट कर लो, थर्ड पॉइंट, एक सेकंड मुझे डिलीट करना पड़ेगा ये, ठीक है, थर्ड पॉइंट, प्लीज नोट थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट नोट पॉइंट में है, ठीक है, दिस इज द नोट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, डिसकॉन्टिन्यूस एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। सपोज करो आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, आर मतलब रियल नंबर है, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दे रखा है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। बच्चे मैं एक बात हमेशा आपको बोल रहा हूँ, आप इतना डीपली चीज़ों को ना समझो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप मैं जो बोल रहा हूँ आप प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग में इन चीज़ों को बैठा लो कि हाँ मैंने बोला आपको कि ऐसे कर लो तो आपको कर लेना, क्योंकि आप अभी मैं नहीं चाहता कि आप मुसीबत में पड़ो, है ना, क्योंकि आप इन चीज़ों को ढूंढने लगोगे तो फिर आपको खुद ही प्रॉब्लम होगी, फिर आपको होगी कि मैंने आपको आधा अधूरा पढ़ा दिया, है ना। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन देख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपके पास क्वेश्चन देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा आपका, चूँकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में है फंक्शन, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, डिसकॉन्टिन्यूस, है ना। तो इस टाइप के जो भी फंक्शंस आएंगे आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, वो सारे क्या हो जाएंगे, डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है, नोट कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बच्चे एक और पॉइंट आप नोट कर लें कि कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन और नंबर आर ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कैसे, जैसे कि सपोज करो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 5, डायरेक्ट क्या है 5, ओनली वी हैव गिवन 5, आपके पास बोल रहा है कि ये क्या ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस है, हाँ ऑफकोर्स, कॉन्स्टेंट नंबर इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो आप इसको क्या बोलोगे, कॉन्टिन्यूस है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज करो कि 5x-3 दे रखा है, आपको कह रहा है कि एट पॉइंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करो, ठीक है, ये देखो ये भी ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करो तो आंसर क्या आएगा, -3। आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये फंक्शन जो है एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन भी क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूस फंक्शन में ही आ जाता है, ठीक है, लीनियर फंक्शन भी मोस्ट ऑफ द टाइम, देखो हमेशा नहीं कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो
नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट. सपोज कर लो जैसे यहाँ x इज इक्वल टू जीरो पे अगर आप वैल्यू जीरो पुट करोगे f ऑफ जीरो पे, है ना, कॉन्टीन्यूटी चेक करने की बात कर रही है, तो 5 इंटू जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस थ्री. और आपको पता है माइनस थ्री इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, क्या है, माइनस थ्री एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो वैल्यू क्या होगी, ये मैंने आपको क्या बोला कि कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन. तो डायरेक्ट आप क्या कह सकते हैं, कॉन्टीन्यू, अगर आप कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है डायरेक्ट बोल दो, और x इज इक्वल टू फाइव पे अगर सेम फंक्शन को चेक करना हो तो आप सीधा कर लो, देखो 5 इंटू फाइव इज माइनस थ्री, ठीक है, तो ये 25 माइनस थ्री इज इक्वल टू व्हाट, 22, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कॉन्टीन्यूअस फंक्शन. अब देखो मैं इस क्वेश्चन को एक चेक करा के आपको बता देता हूँ, ये सपोज एज अ क्वेश्चन ही है कि 5x माइनस थ्री एट x इज इक्वल टू जीरो पे चेक करना है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें. देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लोगे, f ऑफ जीरो माइनस, ठीक है, जीरो माइनस h, वेयर x टेंस टू जीरो माइनस h, मतलब x की जगह पे क्या पुट करोगे, जीरो माइनस h. तो लो भैया x की जगह पे मैंने पुट करा जीरो माइनस h माइनस का थ्री, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू जीरो, ये क्या होगा माइनस का 5h माइनस का 3, और लास्ट में क्या पुट करते हैं, h टेंस टू, इससे से पूरा लिख देता हूँ, एफ ऑफ जीरो एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो इज इक्वल टू एच की वैल्यू जीरो पुट करो, आंसर क्या होगा माइनस थ्री, ठीक है. एल एच एल आपका क्या हो गया माइनस थ्री. मैंने क्या बोला, थ्री चेकिंग पॉइंट फॉर कॉन्टीन्यूटी, कौन कौन चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एड, और तीसरा क्या है, ऑन द पॉइंट, उसी पॉइंट पे चेक करोगे. नाउ आर एच डी पे जाओ, आर एच डी है ना, राइट हैंड लिमिट पे जाओ, तो x टेंस टू क्या करोगे आप, जीरो प्लस एच, मैं डायरेक्ट थोड़ा नोट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू जीरो प्लस एच माइनस का 3, समझ रहे हो आप, तो 5 इंटू जीरो जीरो, तो ये क्या हो जाएगा 5h माइनस 3, और नाउ h टेंस टू जीरो करते हैं लास्ट में, है ना बच्चों, h टेंस टू जीरो करते हैं ना, फंक्शन h टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, h की वैल्यू जीरो पुट करो तो आंसर क्या होगा माइनस का 3, 5 इंटू जीरो क्या होगा माइनस, तो देख रहे हो ये फंक्शन भी क्या आ रहा है आपके पास माइनस 3. और ऑन द पॉइंट पर भी चेक कर लो, f ऑफ जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो पे ही चेक कर लो, तो ऑलरेडी मैं कर ही चुका हूँ, माइनस थ्री इज इक्वल टू वट माइनस थ्री, फाइव इंटू जीरो माइनस थ्री, देखो एल एच एल आर एच एल आर सब इक्वल आ रहे हैं, सारे इक्वल आ रहे हैं, तो आप इसको इतना करने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप इसको डायरेक्टली नोट, बोर्ड में आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, अगर एक नंबर में आया तो, एक नंबर में आया तो डायरेक्ट वैल्यू चेक कर लेना, और लास्ट में लिख देना कि ये, चूंकि ये क्या है कॉन्स्टेंट नंबर है और लीनियर फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका कॉन्टीन्यूअस, ऐसे नोट कर देना. अगर दो मार्क्स में आएगा तो इस तरीके से आप, है ना, इसको डेरिवेट करके बनाना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले कि सॉरी इस क्वेश्चन फॉर्म में नोट कर ले, है ना, इसको क्वेश्चन फॉर्म में कि x टू द पावर n इज कॉन्टीन्यूअस और नॉट, ठीक है, दिस इज कॉन्टीन्यूअस और नॉट एट x इज इक्वल टू n, एट x इज इक्वल टू n पे क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं, ठीक है. तो देखो मैंने आपको अभी बोला x की पावर n क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज वॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन. मैंने बोला पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब x टू द पावर में कोई भी पावर हो वो सारे क्या होंगे आपके कॉन्टीन्यूअस, तो आप सीधा देख के ही बता सकते हो कि सर ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन, और हम कुछ देखेंगे ही नहीं. मैंने देखा पॉलिनोमियल है मतलब x की पावर में टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो भी आ रहा है इस तरीके का पावर में आ रहा है, तो हम सीधा बोल देंगे भैया कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है. लेकिन आपको चेक करना है, तो अगर एक नंबर में आया तो सीधा x की वैल्यू क्या पुट करोगे, n, x की वैल्यू पुट करोगे तो n टू दी पावर n, ठीक है. क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो x टू दी पावर n, तो n टू दी पावर n, और ये क्या है कॉन्स्टेंट नंबर है, एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो कॉन्स्टेंट नंबर इज ऑलवेज अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, दिस इज ऑलवेज अ कॉन्टीन्यूअस. x टू दी पावर n भी आपसे पूछेगा तो ये क्या है, ये भी एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है. चलिए तो ये हो गया आपका नोट पॉइंट्स. तो मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, क्योंकि क्वेश्चंस करते टाइम ये सब क्वेश्चंस दीज सम पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दैट्स व्हाई आई कंप्लीटेड हेयर ऑन द बोर्ड. क्योंकि यार देखो मैं ये क्वेश्चंस तो करा रहा हूँ लेकिन मैं मेरे मन में भी रहता है यार कि बच्चों के डाउट रहेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, गुस्सा आता है ना ज़्यादा, अगर डाउट आता है कुछ चीज़ों में तो, है ना, तो मैं समझता हूँ चीज़ों को, लेकिन क्या करें टाइम बाउंडेशन में ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है, तो मैं देखता हूँ बच्चों वॉच टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक बच्चा ऑन एन एवरेज मतलब कि दो मिनट भी वीडियो नहीं देखता है, है ना, ऑन एन एवरेज दो मिनट भी वीडियो नहीं देखता है, और वो बच्चा सोचता है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा. बच्चा पहला चीज़ ये है कि आप पूरा वीडियो देखो, है ना. अगर देखो ये मेरे सब्सक्राइबर और ये सब चीज़ें के लिए बिल्कुल भी नहीं है, है ना, मेरे सब्सक्राइबर तो अभी 170 है, है ना, फिर भी मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, 170 180 सब्सक्राइबर अभी शायद होंगे,
मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, दिस होल वर्क इज़ डेडिकेटेड टू यू गाइज, दिस इज़ नॉट फॉर मी, मेरे मेरी कोई अर्निंग या कुछ भी नहीं है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरा ही टाइम जाता है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि आप कम से कम वीडियोज़ देखते हो तो कम से कम आधे मतलब 50% तो देखा करो, 50% नहीं देखोगे तो आपको रियलाइजेशन क्या होगा। बहुत सारी बातें होती हैं जो आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हो तो वो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी। आप क्या करते हो, पहले यहाँ देखा फिर शिफ्ट करके उधर चले गए, फिर शिफ्ट करके इधर, फिर शिफ्ट करके, मतलब पूरा प्ले टाइम बिगाड़ लेते हो आप, और फिर बीच बीच से देखते हो फिर आपको समझ में ही नहीं आता है। और हम पढ़ाते हैं फ्लो में, है ना, तो चीज़ों को फ्लो में देखोगे तभी आपको क्लियर होगा, है ना। तो आप, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ कोई भी वीडियो को देखें तो पूरा कंप्लीट करें। आपके पास स्पीड टेस्ट है, आप स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो और फिर वीडियो देख सकते हो, है ना। काफ़ी अब टेक्नोलॉजी इतनी हाई है। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, अब फॉर्मल क्वेश्चंस पे आ गए हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, यहाँ टू फंक्शंस डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स इफ़ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, और एक्स अगर एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। आपको क्या करना है, चेक क्वांटिटी चेक करना है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में x नॉट इक्वल्स टू जीरो दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन जीरो है और x लेस देन जीरो है। अरे देखो, कोई चीज़ मेरे बराबर में नहीं है, अगर कोई चीज़ मेरे बराबर में नहीं है, इट मीन्स वो मेरे से छोटा होगा या मेरे से बड़ा होगा। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों फंक्शन नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या होता है, दिस, है ना। तो इन दोनों टर्म्स के लिए, मीन्स x लेस देन जीरो और x ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइनेबल है, ये वाला फंक्शन। सिर्फ एक ही फंक्शन है जो इन दोनों टर्म के लिए डिफाइनेबल है, क्योंकि x नॉट इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस। इसका मतलब ये होता है x लेस देन जीरो और x ग्रेटर देन जीरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब अगर आप x की वैल्यू लेस देन जीरो लोगे तो भी यही फंक्शन, और x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लोगे तो भी यही फंक्शन। लेकिन अगर आप x इज इक्वल टू जीरो चूज करोगे बच्चे, तो आपके पास वैल्यू दे रखी है जीरो, ठीक है, तो आप ये वाला फंक्शन चूज करोगे। चलिए LHL ले ले बच्चों, LHL पे हम क्या करते हैं, x टेंस टू जीरो माइनस, है ना, या फिर जीरो माइनस को हम जीरो माइनस h भी करते हैं। चलिए, तो f ऑफ जीरो माइनस, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फुल फंक्शन, LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, मीन्स जीरो से थोड़ा सा कम, जीरो से थोड़ा सा कम मतलब जीरो से कम, जीरो से कम के लिए कौन सी वैल्यू चूज करोगे, फर्स्ट वाला, जीरो से कम के लिए, क्योंकि x लेस देन जीरो है। तो जीरो से कम के लिए आपको ये भी चीज़, अभी जस्ट मैंने बताया था क्वेश्चन में कि अगर x लेस देन जीरो और मोड x को ब्रेक करना है तो मोड x कैसे ब्रेक होता है, माइनस x के साथ। चलिए, तो ठीक है, मैंने यहाँ क्या नोट कर दिया, माइनस x, क्योंकि हमारे पास मोड x है ना, अपॉन x, ये x और x कट जाएंगे बच्चे, क्योंकि ऑलरेडी कट रहे हैं फंक्शन, तो ये आंसर क्या हो गया, माइनस वन। h टेंस टू जीरो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन कॉन्स्टेंट आ गया, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस ही होता है ना, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कॉन्स्टेंट नंबर आ गया। RHL पे आ जाओ, टेंस टू जीरो प्लस h, x टेंस टू जीरो प्लस है, मतलब अब आप इसकी वैल्यू क्या लोगे, x की वैल्यू जीरो प्लस h से रिप्लेस करोगे। नाउ f ऑफ जीरो प्लस, f ऑफ जीरो प्लस मतलब वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन सा फंक्शन चूज करोगे, फर्स्ट वाला ही फंक्शन चूज करोगे, और ये मोड है ना, और देखो मोड x देन ग्रेटर देन पे सेम फंक्शन होता है, कोई चेंज नहीं होता, तो x अपॉन x ही होगा, तो x और x कट के क्या हो जाएंगे, वन, ठीक है, x और x क्या हो जाएंगे, यहाँ इस तरीके से आप नोट कर सकते हो जीरो प्लस, ये सब डिनोटिंग मेथड है। तो ये हो गया माइनस वन और ये हो गया वन। तो भैया यह तो पूरा दिख रहा है कि भैया LHL जो है वो RHL के इक्वल्स टू में नहीं है, ठीक है, और ऑन द पॉइंट भी इक्वल्स टू नहीं, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो पे भी वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये x f ऑफ जीरो पे भी वैल्यू बराबर, मतलब तीनों पॉइंट जो है ना, थ्री चेकिंग पॉइंट्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दैट्स वाई द क्वेश्चन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने आपको पहले क्या बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी जस्ट बताया था कि वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस, आप देखते ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो तुरंत डिसकॉन्टिन्यूअस मार दो, वो डिसकॉन्टिन्यूअस ही होता है, ठीक है ना। चलिए, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आपको सॉल्व करके दिखाना ज़रूरी है। सो आपको बताना है कि डिफाइंड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू टू, वेयर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू टू इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, ये डिफरेंशिएबल क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक मिनट, डिफरेंशिएबल है या कॉन्टिन्यूअल देख लेंगे हम, हाँ डिफरेंशिएबल ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएबल है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपको इन इनके बीच में कोई एक पॉइंट चूज कर लो, है ना, जीरो से एक्स के बीच में, जीरो से टू के बीच में आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंशिएबल है नहीं, तो मैं एक्स इज इक्वल टू वन एक पॉइंट चेक कर लेते हैं, है ना, वन चूज कर लेते हैं जीरो से टू के बीच में, और इस पर हम चेक कर लेते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब देखो बच्चे, ये डिफरेंशिएबल है, दिस इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस। ये क्वेश्चन इससे पहले जितने भी कर रहे थे कॉन्टीन्यूअस का क्वेश्चन था, और ये क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है आपसे, डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश ए कर लो, है ना, क्योंकि एक पॉइंट ए है, जो भी पॉइंट आपको दिया रहता है ना, जैसे वन चूज करो तो एफ डैश वन, एफ डैश वन, तो एफ ऑफ ए कर लो। कुछ कुछ क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स भी दे रखा होता है ना, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने एफ ऑफ एक्स से भी करा है तो एफ ऑफ एक्स से ही करो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए डैश ए माइनस, देखो ए माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो दिस इज व्हाट, एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस का एच, ठीक है, ये वैल्यू होगी एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ आर एच डी बताओ, आर एच डी का अभी बस फॉर्मूला नोट कर रहा हूँ मैं, ए प्लस इज इक्वल टू बच एफ ऑफ ए, देखो बच्चे ए जो है वो पॉइंट है, एट द पॉइंट, जो फंक्शन में किस पॉइंट पे आपको चेक करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये माइनस एच और ये एच, ठीक है, ग्रेटेस्ट। अब आते हैं फॉर्मूले पे, क्वेश्चन पे, है ना। चलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवेन है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एट द पॉइंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये फंक्शन में आप क्या पुट करोगे, एफ ऑफ वन माइनस एच पुट कर, देखो फॉर्मूले पे पुट करो, माइनस एफ ऑफ वन अपॉन माइनस एच। मैं इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन को फिट करूँ तो मतलब कि फंक्शन की जगह पे आप क्या पुट करोगे, वन माइनस एच, ठीक है, ठीक है। थोड़ा वीडियो चेक कर लेते हैं ना, मतलब ये कभी ऐसा होता है कि ऐसा प्ले नहीं कर रखा होता और बोलता रहता हूँ। सो एफ ऑफ ए माइनस एच एंड माइनस, तो फंक्शन में एफ एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, वन माइनस एच। चलो एक्स की जगह पे पुट करो वन माइनस एच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन, मीन्स एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, वन, लो भैया एफ ऑफ वन अपॉन माइनस एच, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, वन माइनस एच, देखिए वन माइनस एच आपको पता है ना एच की वैल्यू क्या होती है, मतलब मिनिमम, दिस इज द मिनिमल वैल्यू दैट इज शोइंग टुवार्ड्स द जीरो, मतलब ये कहता है कि मैं जीरो की तरफ हूँ, मतलब जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में वो जीरो नहीं है, जीरो से थोड़ा सा कम है वैल्यू, जीरो के आसपास की वैल्यू है ना, 0.00001 ये वैल्यू होती है, ठीक है, मतलब जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जीरो से लिटिल बिट ग्रेटर देन। तो वन में से अगर आप ये वैल्यू माइनस करोगे तो ये वैल्यू ऑफकोर्स माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वन जीरो पॉइंट, अरे भाई सीधी सी बात है ना, वन में से अगर आप 0.00001 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.9999 ऐसे करके आएगा कि नहीं, तो ये लेसर देन वन हुआ ही नहीं, 0.99 क्या होगा, लेसर देन वन हो जाएगा, होगा ना, है ना, तो ये लेसर देन वन मतलब एक से वैल्यू कम हो गई, वन से कम, और आपको पता है कि अगर वैल्यू एक से कम हो गई, है ना, एक से कम मतलब कि 0.999 अगर वैल्यू हो गई आपकी, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन, वन में से माइनस करोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जीरो, क्या होगा, जीरो। ठीक है, दिस इज जीरो, वन माइनस एच, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई, लेस देन जीरो, दैट्स वाई, है ना। आपको अगर ग्रेटेस्ट नेचर नहीं पता हो तो चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, जैसे 2.7 का ग्रेटेस्ट नेचर क्या होगा, 2, 2.1 भी होगा तो इसका ग्रेटेस्ट नेचर क्या होगा, 2, अगर 2.00001 भी होगा तो भी क्या होगा, 2, अगर 2.9 भी होगा तो इसका ग्रेटेस्ट नेचर क्या होगा, 2, लेकिन अगर 1.9 है तो ग्रेटेस्ट नेचर क्या होगा, 1, ठीक है, अगर 0.00009 है तो ग्रेटेस्ट नेचर क्या होगा, 0, तो ये वाला कंडीशन सेम वही है, क्योंकि 1 माइनस एच हो गया तो ये वाला वैल्यू यही आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब जो फर्स्ट, मतलब कि डेसिमल से पहले वाला जो पॉइंट है ना वही आपका आंसर हो जाता है पॉजिटिव नंबर में,
याद रखें पॉजिटिव नंबर, मैं जो बोल रहा हूँ उसको फोकस नहीं, सब में फिट मत करें ना, गलत हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव नंबर में इससे पहले वाले क्या होते हैं, डेसिमल से पहले वाला ही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है ना। चलिए, तो मैं 1 माइनस एच को क्या नोट कर लूँ, 0। सो दिस इज 0 माइनस 1, ठीक है। 1 का तो 1 ही रहता है ना, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 भी क्या होगा, 1 ही होगा। माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा, माइनस 1। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2। मतलब जो जो इंटीजर नंबर है ना वो सारे क्या हो जाएंगे, सेम रहते हैं। अपॉन अपॉन माइनस एच, ठीक है, अपॉन माइनस एच। है ना, फिर आप h टेंस टू 0 करोगे तो ये वैसे भी क्या होता है, नॉन डिफाइनेबल, है ना। ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइनेबल, क्योंकि h टेंस लास्ट में हम करते हैं ना, h टेंस टू 0, लास्ट में h टेंस टू 0 करोगे तो चूंकि नीचे अपॉन में क्या हो जाता है, 0 से आप डिवाइड करोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइनेबल, ठीक है ना। फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइनेबल। नाउ RHD पे आ जाओ, RHD पे देखो मैं डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ, मैं सीधा ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेम है। तो ये अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा RHD में, ये वाला f ऑफ a प्लस एच, तो ठीक है 1 प्लस एच। मैं 1 पे चेक कर रहा हूँ बच्चे, ये 1 मैंने अपनी मर्जी से चूज़ करा है। नाउ दिस इज f ऑफ 1, f ऑफ 1 मीन्स दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन माइनस का h, ठीक है। तो ये फंक्शन देखो, 1 प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस एच की वैल्यू 1 ही होगी, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि h पुट करने की ज़रूरत ही नहीं हमें, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू 0 हो गया। तो देख रहे हो एक वैल्यू तो ये इनफाइनाइट वाला है, तो ये टर्म तो वैसे ही बच्चों डिफाइनेबल नहीं है ना, तो ये तो टोटली रॉन्ग हो गया हमारे पास ये चीज़, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगा कि LHD और RHD जो है बच्चों वो इक्वल नहीं है, LHD और RHD जो है वो इक्वल्स नहीं है। तो क्वेश्चन क्या होगा, ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल नहीं है। किस पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से नोट कर दो, 1 मार्क 2020 में क्वेश्चन आया था, क्योंकि देखो ना 0 से 2 के बीच में कौन सा नंबर चूज़ करोगे, 1 ही चूज़ करोगे आप, ठीक है। तो आप इसको नोट कर ले और प्लीज़ सारे फॉर्मूलों को सही से देखें, आपको चीज़ें समझ, इतना हार्ड नहीं है बच्चों ना, थोड़ा सा कूल माइंड रहो, दिमाग को कूल रखोगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, है ना। अगर मन में फियर है ना, फियर है तो चीज़ें नहीं समझ में आएगी। अगर फियर को आप दूर करो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको रट्टा मार लो। देखो रट्टा मारना इतना भी गलत नहीं होता, थोड़ा बहुत फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ता है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लो, और समझने के बाद अगर नहीं समझ में आता तो स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। दूसरे क्वेश्चन पे जाओगे तो हो सकता है कि प्रीवियस वाला आपका डाउट जो है ना वो खुद ब खुद क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी, आपको कौन कौन से पॉइंट्स फाइंड करने की, किस किस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो डिस्कॉन्टिन्यूस है। वेयर फंक्शन इज गिवन बाई 2x + 3 अपॉन 4x - x³। तो सीधा सा फंडा है कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर इक्वल्स टू 0 होता है तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिस्कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अगर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो फंक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई पार्ट 0 वैसे भी नहीं होना चाहिए। सो दिस इज 4 - x³ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन ले लोगे, क्या हो जाएगा 4 - x² तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 2 - x, है ना। और दिस इज व्हाट, 2 + x इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, और x की वैल्यू -2 भी नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों वैल्यू जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों वैल्यू पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। याद रखें इन तीनों पे वैल्यू पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। तो डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0, 2 और -2। नाउ इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, e टू दी पावर x नॉट इक्वल्स टू 0। देखो नॉट इक्वल्स टू 0 पे मैंने आपको जस्ट बताया था,
है ना, नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो मतलब कि x लेस देन जीरो और x ग्रेटर देन जीरो के लिए सेम फंक्शन वही वाला फंक्शन होगा, यही फंक्शन होगा। तो चलिए LHL नोट कर लें, LHL लेफ्ट हैंड लेवल मतलब x टेंड्स टू क्या है, जीरो माइनस या फिर जीरो माइनस एच भी कर सकते हो। तो चलो f ऑफ किस पे चेक करना है, जीरो माइनस पे, और x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू जीरो माइनस एच, ठीक है। चलिए फंक्शन में पुट करते हैं, e टू द पावर वन अपॉन, ठीक है मैं यहाँ नोट कर लूँ, e टू द पावर वन अपॉन x की जगह क्या पुट करोगे, जीरो माइनस एच, चलिए पुट कर दिया हमने। नाउ वन प्लस e टू द पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एच, देखो माइनस है, जीरो माइनस एच क्या होगा, माइनस एच, तो माइनस को मैंने ऊपर ले लिया, वन अपॉन दिस। नाउ जीरो e टू द पावर, ये भी क्या होगा, माइनस एच, e टू द पावर माइनस एच, देखिए वन अपॉन दिस इज दिस इस पार्ट, देखो e टू द पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, e टू द पावर x है ना, e टू द पावर माइनस एक्स को वी कैन राइट इनवर्स में, ये नीचे चला जाएगा क्योंकि माइनस पार्ट है तो ये नीचे आ जाता है, तो दिस इज ऑल्सो लाइक अ x, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इनवर्स में, तो ये वन अपॉन e टू, सिर्फ ये वाला पार्ट ऊपर न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वन अपॉन e टू द पावर वन बाई एच, ठीक है। देखो माइनस की वजह से ये फुल फंक्शन e टू द पावर x फुल फंक्शन नीचे जाएगा, x की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एच, x की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एच, e टू द पावर सपोज करो ना e टू द पावर माइनस x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन e टू द पावर x, लो वन अपॉन e टू द पावर x, और x की जगह पे क्या है, वन बाई एच, तो वन बाई एच पुट कर दिया। नाउ डिनोमिनेटर देखो सेम फंक्शन ये भी होगा, वन अपॉन e टू द पावर वन अपॉन एच, ठीक है मेरी बात। नाउ लास्ट में हम क्या करते हैं बच्चों, h टेंड्स टू जीरो करते हैं ना, है ना, मैं इस फंक्शन को डिलीट कर दूँ, f ऑफ जीरो माइनस वेयर h टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू, इस वैल्यू में आप पुट करो, देखो वन अपॉन h, वन अपॉन जीरो, तो वन अपॉन एच e टू द पावर वन अपॉन जीरो अपॉन वन प्लस वन अपॉन e टू द पावर वन अपॉन जीरो, ठीक है। वन अपॉन जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है, तो e टू द पावर वन अपॉन इनफाइनाइट, देखो वन अपॉन में ये अपॉन में है ना हमारे पास वन ऑलरेडी है, तो वन अपॉन इनफाइनाइट, नाउ अपॉन वन प्लस वन अपॉन e टू द पावर वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, है ना, वन अपॉन e टू द पावर वन अपॉन इनफाइनाइट, वन अपॉन इनफाइनाइट, देखो वन अपॉन इनफाइनाइट ये वैल्यू, वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ठीक है, तो e टू द पावर जीरो, ठीक है। नाउ प्लस, अरे वन अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो ना, नाउ प्लस वन अपॉन ई प्लस वन अपॉन इनफाइनाइट, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो e टू द पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी बच्चों, e टू द पावर जीरो की वैल्यू होगी वन अपॉन वन प्लस वन e टू द पावर जीरो, ये देखो e टू द पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी, वन, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा, दिस तो क्या होगा आंसर, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, मतलब एल एच एल क्या आ रहा है आपके पास, वन अपॉन टू, ठीक है। यार एक मिस्टेक हो गया, सॉरी एक मिस्टेक यहां पे हो गया है, दिस इज वन अपॉन वन अपॉन, देखो e टू द पावर में दिस इज वन और e टू द पावर, ये वन अपॉन जीरो तो इस फंक्शन के लिए ना, यहाँ ये तो अपॉन बिल्कुल अलग है ना ये वाला पार्ट, तो ये वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है, तो e टू द पावर इनफाइनाइट, वन अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट, वन अपॉन जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट। नाउ प्लस वन अपॉन e टू द पावर जीरो क्या होगा, e टू द पावर इनफाइनाइट, ये भी क्या होगा, e टू द पावर इनफाइनाइट, वन अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा बच्चों, वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू, अरे देखो ये वन अपॉन जीरो है ना, देखो वन अपॉन एच, वन अपॉन एच, एच की वैल्यू क्या पुट करोगे, जीरो, तो वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो क्या होगा, पावर इनफाइनाइट, और वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, है ना, वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, अरे जब जब न्यूमरेटर पार्ट जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर ऑल सब फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, तो नीचे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, है ना। मैं आपको आर एच डी सॉल्व कर दूँ, आर एच एल है, आर एच डी की डेरिवेटिव नहीं है, दिस इज नाउ x टेंड्स टू जीरो प्लस h, जीरो प्लस h, h की वैल्यू क्या पुट करोगे, नाउ e अपॉन, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यू, है ना, आप इस तरीके से फंक्शन में आप ऐसे नोट कर लोगे f ऑफ
जीरो प्लस, एफ ऑफ जीरो प्लस वेयर एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एच और लास्ट में एच टेंड्स टू जीरो, सो ई अपॉन जीरो प्लस एच अपॉन वन प्लस वन अपॉन ई टू द पावर, वन अपॉन ई टू द पावर वन अपॉन जीरो प्लस एच, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, वन अपॉन एच और वन ई प्लस ई टू द पावर वन अपॉन एच। लास्ट में क्या करते हैं, एच टेंस टू जीरो, तो एच टेंस टू जीरो कर दो है ना फंक्शन में, एच की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इनफाइनाइट, जैसे यहाँ पे आया था ना ई टू द पावर इनफाइनाइट, ई टू द पावर इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एक माइनस में आ गया था, ठीक है। ये चीज़ क्या थी हमारे पास, माइनस में है ना, ये चीज़ हमारे पास क्या थी, माइनस में। तो मैंने इन्वर्स को ऐसे इन्वर्स में चेक कर रहा था, न्यूमिनेटर में ले गया था इन्वर्स को, इस वजह से हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी। और वन अपॉन एच की देखो, वन अपॉन एच ई टू द पावर एच, एच की वैल्यू आप जीरो पुट करो, यहाँ पे एच की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो वन अपॉन जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगी, ई टू द पावर इनफाइनाइट है ना, वन अपॉन एच की वैल्यू पुट करो जीरो तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट प्लस वन प्लस ई टू द पावर है ना वन अपॉन जीरो। तो ई टू द पावर इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट। और जब ये एक वैल्यू इनफाइनाइट, और टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन डिफाइनेबल है ना, ये भी इनफाइनाइट। तो देखो LHL और RHL इक्वल कहाँ आ रहा है, LHL और RHL के एक पे वैल्यू जीरो आ रही है और दूसरे पे वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन, ये वाला फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूअस। हालांकि ये क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है, मैं इसको दो नंबर में रखूँगा है ना, एक नंबर का नहीं है, लेकिन आप नोट कर लो, क्वेश्चन हो गया तो आप कर ही लो। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ है गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीजर एक्स और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीजर एक्स, ठीक है, इंटीजर एक्स। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ग्रेटर मेजर फंक्शन देखते ही आप सीधा चपका देना डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन। तो पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी क्या है, डिसकॉन्टीन्यूअस, सेकेंड फंक्शन जी ऑफ एक्स भी क्या है, डिसकॉन्टीन्यूअस, और डिसकॉन्टीन्यूअस माइनस का डिसकॉन्टीन्यूअस क्या होगा, दोनों डिसकॉन्टीन्यूअस ही आएगा आंसर, ठीक है, डिसकॉन्टीन्यूअस ही आएगा। अब आपके पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, सो यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस का जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आपको फाइंड करना, बताना है कि ये दोनों जो है वो ग्रेटर, ये वैल्यू मतलब कि कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो चलो मैं चेक कर लेते हैं, माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, देखो प्लस का जी ऑफ एक्स करो, x माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स है ना, मैं इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया मैंने, सो दिस इज व्हाट, x माइनस ये ग्रेटर इंटीजर एक्स, ग्रेटर इंटीजर एक्स दो ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू ग्रेटर इंटीजर x, ठीक है। अब आप इसको बच्चों सॉल्व कर लो है ना, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ग्रेटर इंटीजर x का बता रखा है इसको कैसे सॉल्व करना है। और ये वाला देखो, ये टर्म तो आपको कंटिन्यूस मिलेगा, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन डिसकॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये फंक्शन क्या आएगा, डिसकॉन्टीन्यूअस। और वैसे भी एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है और इसमें अगर आप डिसकॉन्टीन्यूअस को ही फंक्शन ऐड कर रहे हो, डिसकॉन्टीन्यूअस है और डिसकॉन्टीन्यूअस डिसकॉन्टीन्यूअस ऐड कर रहे हो, तो आपका आंसर भी क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस, ठीक है ना। तो ये याद रखें आप, और डिवाइड अगर आप डिवाइड भी करते हो ना डिसकॉन्टीन्यूअस को डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन से, तो ये भी क्या आएगा आपके पास, डिसकॉन्टीन्यूअस ही आएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसको बच्चे इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी करके शो कर सकते हो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो है वो ऐसे नोट कर सकते, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इज अ डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन, दैट्स वाई द फंक्शन विल बी डिसकॉन्टीन्यूअस, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। आपको पता है कि साइन एक्स तो वैसे भी कॉन्टीन्यूस होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि साइन एक्स कहीं भी ब्रेक नहीं होता है ग्राफ में, ठीक है, साइन एक्स अगर आप कहीं भी ब्रेक नहीं होता, ये कॉन्टीन्यूटीज में चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, ठीक है। तो ये मोड एक्स है, और मैंने आपको बोला था कि मोड का ग्राफ क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टीन्यूस, ठीक है। तो मोड का ग्राफ क्या होता है, ऑलवेज डिसकॉन्टीन्यूस, सॉरी कॉन्टीन्यूस है ना। तो आप इसको डायरेक्टली देखो, ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस ही होगा, ठीक है, क्या होगा, कॉन्टीन्यूस, क्योंकि ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं होता, चूंकि मोड एक्स है तो ये नीचे वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाता है ना, तो ये ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा, यूं यूं करते करते जाएगा, क्योंकि मोड में कभी भी कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव नहीं होगी तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर आप फोकस ना करो, ये चीज़ मैंने आपको बताया भी नहीं है,
तो आप देखो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए ना ये चीज़ें। और सिर्फ देखो सिर्फ मोड साइन एक्स ही नहीं है ना, आपके पास अगर कॉस एक्स भी होगा तो वो भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस। कॉस एक्स भी क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता, फिर मैं आपको नोट पॉइंट करके कुछ लिखवा देंगे, है ना। देखिए एल एच एल पे आ जाओ, एल एच एल पे चेक कर लेते हैं, मतलब एक्स टेंड्स टू क्या होगा, जीरो माइनस एच। ठीक है, तो एल एच एल जीरो माइनस एच इज इक्वल टू साइन जीरो माइनस एच मोड में है। ठीक है, चलिए तो जीरो माइनस एच क्या हो जाएगा, साइन माइनस एच, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन एच। नाउ एच टेंड्स टू जीरो करोगे लास्ट में, है ना, लास्ट में क्या करते हैं, एच टेंड्स टू जीरो, तो ये वैल्यू क्या होगी, साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो इन जीरो इंटू माइनस क्या होगा, जीरो, है ना। तो ये हो गया एल एच एल की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, जीरो, है ना। मैं जीरो पे चेक करके बता रहा हूँ आपको, एक पॉइंट पर जीरो पे चेक, अगर इस पर कंटिन्यूस आ गया तो कंटिन्यूस ही होगा फंक्शन, और फिर क्या हो जाएगा ये एफ ऑफ जीरो प्लस एच। ठीक है, तो मैं सीधा डायरेक्टली सॉल्व कर दूँ, मोड में जीरो प्लस एच, सो व्हाट इज दिस, हाँ ठीक है, मतलब ये वैल्यू जीरो ही आएगी, तो जीरो प्लस एच। हालांकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ठीक है, आप इसको जीरो ऐसे ही याद रख लो कि ये वैल्यू क्या होगी, जीरो, जीरो प्लस एच की वैल्यू। तो ये क्या होगा, जीरो प्लस एच जीरो एच साइन एच होगा, और एच टेंड्स टू जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एल एच एल और आर एच एल क्या हो रहा है, जीरो। और आप एट द पॉइंट पे भी चेक कर लो, ठीक है, एट द पॉइंट तीन, मैंने क्या बोला आपको, तीन चेकिंग पॉइंट्स है ना, एल एच एल आर एच एल और एट द पॉइंट, एट द पॉइंट का एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो, है ना। तो ऑल थ्री पॉइंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, दैट्स वाई द फंक्शन ऑफ साइन एक्स इज, द फंक्शन ऑफ साइन एक्स विल बी अ बट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लें, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर, इस तरीके से नोट पॉइंट में जाएं, नोट पॉइंट में लिखें आप कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इधर इन मोड, ठीक है, या तो वो मोड में होगा तो भी वो क्या होगा, वही होगा। ठीक है, मोड, अगर मोड साइन एक्स है तो भी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से नोट कर लो, और मोड कॉस एक्स भी होगा तो कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन, है ना। अगर फंक्शन में टैन एक्स और सेक एक्स है, टैन एक्स और सेक एक्स, तो फंक्शन जो है वो देखो मेरा वर्ड सुनो, टैन एक्स और सेक एक्स है तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, फंक्शन विल डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू। अगर आपके पास ये वैल्यू, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाले वैल्यू पे ना x इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे चेक करके बताओ, है ना, n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर, कोई वैल्यू पुट करके देखो, तो इस वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होगा, टेन एक्स और सेक एक्स में ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब इन पॉइंट्स पे वैल्यू क्या हो जाएगी, डिसकॉन्टिन्यूस। जैसे कि n की वैल्यू हम जीरो चूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, टू इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, तो क्या बचेगा, पाई बाई टू, पाई बाई टू बचेगा, तो x की वैल्यू पाई बाई टू, चलो पाई बाई टू पे चेक करते हैं, टेन x की वैल्यू बताओ, टेन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है कि नहीं होती है, तो क्या इनफाइनाइट डिफाइनेबल है, क्या इनफाइनाइट डिफाइनेबल नहीं है ना, दैट्स वाई द क्वेश्चन विल बी वॉट, डिसकॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब आप कह रहे सर आप तो टेन x पे चेक कर ले, sec x का भी बताओ, ठीक है, तो sec x पाई बाई टू क्या होगा, sec इंटू पाई बाई टू, sec इंटू पाई बाई टू भी क्या होता है, इनफाइनाइट, है ना, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट, ये वैल्यू भी हो गई, क्योंकि 1 अपॉन 0 है ना, sec 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये दोनों फंक्शंस tan x एंड sec x आर डिसकॉन्टिन्यूस है, तो ये चीज़ याद रख लें आप, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये वैल्यूज पूछ लेगा कि x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे चेक करके बताओ, 3 पाई बाई टू पे चेक करके बताओ, तो 3 पाई बाई टू पे भी फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। एक चीज़ और नोट कर लें, कॉटेक्स एंड कॉसेक एक्स आर डिसकॉन्टिन्यूस, देखो डिसकॉन्टिन्यूस वर्ड लिख रहा हूँ मैं, कॉन्टिन्यूस नहीं, एट x इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है, x इज इक्वल टू एन पाई पे फंक्शन क्या होगा,
डिसकॉन्टिन्यूस, कौन कौन से फंक्शन, कॉटेक्स एंड कॉसेक एक्स, जहाँ पे एन क्या है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर या नेचुरल नंबर, नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखा थर्ड पॉइंट, साइन वन अपॉन एक्स इन टू और या फिर इंटू नहीं सॉरी वन अपॉन एक्स कॉस वन अपॉन एक्स ई टू द पावर वन अपॉन एक्स और ए टू द पावर वन अपॉन एक्स ए टू द पावर वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, दीज ऑल आर दीज ऑल आर डिसकॉन्टिन्यूस, दीज ऑल आर डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन क्या होंगे, डिसकॉन्टिन्यूस। अभी ये सारे साइन वन अपॉन एक्स कॉस वन अपॉन एक्स ई टू द पावर वन अपॉन एक्स ई टू द पावर वन अपॉन एक्स ए टू द पावर वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये सारे क्या होंगे, डिसकॉन्टिन्यूस। लॉग जीरो की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। अभी जस्ट अपने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करा था ई टू द पावर वन अपॉन एक्स, अभी क्वेश्चन जस्ट हमने सॉल्व करा था। अभी देखो कौन से टर्म का है, ई टू द पावर वन अपॉन एक्स, देखो यहाँ ई टू द पावर वन अपॉन एक्स, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमने चेक करा था। तो अगर आपको ये टर्म डायरेक्ट, अगर ये आपको फंडा याद होता, सॉ ट्रिक याद होता, ये स्टेटमेंट याद होता, तो डायरेक्ट आप क्या कहते, वो क्वेश्चन क्या था, डिसकॉन्टिन्यूस। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था ना वो, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाता, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर एट देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉटेक्स को क्या नोट कर सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कब होगा, ठीक है, ये फंक्शन जो है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो बच्चे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कब, अगर डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो हो गया, अगर डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। तो कॉस एक्स मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो कॉस की कौन कौन सी वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू देता है, तो एक्स मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, टू एन प्लस वन पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉटेक्स के लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात, तो कॉटेक्स के लिए जो है वैल्यू, अरे सॉरी उल्टा लिख दिया गया मैंने फॉर्मूला, ये अच्छा साइन नहीं कॉस अपॉन साइन होता है ना, चलो इसको वैसे ही रहने दो फिर, नहीं चेंज ही कर लो, दिस इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ पे ज़ीरो होती है, साइन एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे, ठीक है, एन पाई, ठीक है, एन पाई, एन क्या है, इंटीजर नंबर, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए, अगर कोई भी वैल्यू x इज इक्वल टू एन पाई आ रहा है तो आपको फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। तो मतलब कॉर्टेक्स जो है ना, कॉर्टेक्स वो सब जगह डिफाइनेबल है, सब जगह, मतलब देखो इसका स्टेटमेंट है कि कॉर्टेक्स इज कॉन्टिन्यूस, एक्चुअली में कॉर्टेक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस, बट दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस ओनली एट दीज पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स पे, दीज पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स जो है वो डिफाइनेबल नहीं, बाकी सब जगह डिफाइनेबल है, बाकी सब जगह फंक्शन क्या होगा, कॉर्टेक्स का कॉन्टिन्यूस होगा। डिसकॉन्टिन्यूस किस पॉइंट पे होगा, जहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। तो साइन एक्स की वैल्यू किस पे जीरो होती है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो ये फंक्शन हम, आप ये वाला वैल्यू चूज नहीं कर सकते फॉर कॉर्टेक्स के लिए, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लें, देखें यहाँ पे आपको चेक करना है कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी, है ना, ये फंक्शंस आपको चेक करने हैं, ठीक है। तो देखिए फंक्शन आपके पास है ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर मोड एक्स, है ना, आपको पता है कि मोड एक्स जो है वो क्या है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, है ना, आपको पहले ही बता रखा है मोड एक्स क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो e टू द पावर मोड एक्स भी क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन, है ना, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो जाएगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, देखो LHL मैं चेक ही कर देता हूँ, आप बोलोगे डायरेक्ट कैसे नोट कर रहे हो आप। सो दिस इज एक्स टेंड्स टूअर्ड जीरो माइनस एच, तो e टू द पावर मोड जीरो माइनस एच का मतलब क्या है, वैल्यू लेस देन जीरो ले रहा हूँ ना, मोड एक्स, देखो जीरो माइनस एच मीन्स वट, वैल्यू एक्स देन जीरो, लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो पे ये मोड किसके साथ ब्रेक होगा, माइनस के साथ ना, तो माइनस का एक्स और एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, जीरो माइनस एच,
ठीक है, मोड एक्स के साथ ब्रेक होगा, माइनस एक्स के साथ, चलो मैं पूरा ही नोट कर दूंगा, माइनस एक्स के साथ ब्रेक होगा, ठीक है, और ये दिस तो है ना माइनस एक्स के साथ, तो दिस इज व्हाट ई टू द पावर माइनस, और एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, जीरो माइनस एच, ठीक है बच्चों, सो दिस इज व्हाट माइनस इंटू जीरो माइनस एच, तो माइनस एच है ना, तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर एच, और एच टेंड्स टू जीरो करो, एच टेंड्स टू जीरो, ई टू द पावर जीरो, तो क्या हो जाएगा वन, ठीक है, वैल्यू क्या आ रही है वन, नाउ एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एच पे चलो, आर एच एल पे चलो, ठीक है, आर एच एल पे चलो, ई टू द पावर जीरो प्लस एच, है ना, देखो एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो मोड एक्स वही रहेगा, सेम रहता है, सो ई टू द पावर एच, एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो, तो ई टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा वन, तो ये भी वैल्यू क्या हो गई वन, तो एल एच एल आर एच एल क्या हो रहा है सेम, ठीक है, आर एच एल एल एच एल आर एच एल इज इक्वल टू, दैट मीन्स द फंक्शन विल बी व्हाट, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यू, अब आपको चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो कॉन्टिन्यूस तो मैंने आपको चेक करा दिया है ना, तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो एक चीज़ बच्चे आप नोट कर लो, मैं पहले आपको ये बताऊं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, एक पॉइंट आप नोट कर लें कि द फंक्शन इज इफ हाँ द फंक्शन विल नॉन डिफरेंशिएबल है ना, द फंक्शन विल नॉन डिफरेंशिएबल एट विच पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, द फंक्शन विल नॉन डिफरेंशिएबल एट विच पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, या फिर और फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो हो जाए, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसका मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि आपकी कोई भी वैल्यू जो है डिफरेंशिएबल होने के लिए, नॉट फॉर कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल होने के लिए वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के इक्वल्स टू में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सो देखिए अब ई टू द पावर मोड एक्स, आपको पता है मोड एक्स डिफरेंशिएबल है या नहीं है, देखो मोड एक्स कॉन्टिन्यूस तो है कि, लेकिन क्या ये डिफरेंशिएबल है, नहीं, मोड एक्स इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, मोड एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, ठीक है, आप इसको फॉर्मूले में चेक करके देख सकते हो, तो किस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, x इज इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तो ये e टू द पावर मोड एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, e टू द पावर मोड एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल, ठीक है, दिस विल नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी वैल्यू पे अगर कोई फंक्शन जीरो हो जाता है, ठीक है, किसी वैल्यू पे अगर कोई फंक्शन क्या हो जाता है जीरो, तो वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दे दूं, ठीक है, आपने ये पॉइंट नोट कर ही लिया है, अब देखो बच्चे इस पॉइंट को चेक करना है को डिफरेंस, तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया ना डिफरेंशिएबिलिटी का, वो फॉर्मूले पर रख के आप चेक कर सकते हो, जैसे कि साइन एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है साइन एक्स, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, ठीक है, तो आप सीधा क्या करोगे भैया, फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन अगर साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो किस वैल्यू पे होती है, अरे साइन एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ होती है, एन पाई पे होगी, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे कोई भी वैल्यू जो है, मतलब ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे, मतलब कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कौन से पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे, फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये आप याद रख ले बच्चों, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में बैठा ले इस चीज़ को, ठीक है ना, अभी हम आपको और भी कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, हाँ तो अब जैसे कॉसेक्स है, कॉसेक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, कॉसेक्स आपके पास कोई फंक्शन का कॉसेक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो,
बहुत इजी है। तो cos x जो है जहाँ पे जीरो हो रही होगी वो वहाँ पे वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। द फंक्शन वेयर द cos x इज इक्वल टू जीरो, द फंक्शन विल नॉट डिफरेंशिएबल वेयर cos x इज इक्वल टू जीरो। अगर cos x की वैल्यू जीरो होगी तो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो cos x की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ पे होती है भैया, 2n+1π/2 पे क्या होती है, cos x की वैल्यू जीरो। तो ये मतलब कि इस वाले वैल्यू पे देखो बच्चे, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, दिस इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल बढ़ा रहा हूँ मैं आपको अभी, ये डिफरेंशिएबल का पॉइंट है। तो 2n+1π/2 मतलब कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, cos x जो है वो डिफरेंशिएबल है, cos x इज डिफरेंशिएबल, है ना, cos x इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंग्स टू R, ठीक है, एक्सेप्शन ओनली नॉट डिफरेंशिएबल एट ओनली नॉट डिफरेंशिएबल ओनली नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2n+1π/2 पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू cos x की वैल्यू जीरो हो रही है ना, इस वाले पॉइंट्स पर cos x की वैल्यू जीरो हो रही है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेम वैसे ही sin x के लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखे। द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन f(x) गिवन इज दिस, f(x) इज इक्वल टू गिवन यू हैव sin x into 2x-1 इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने जहाँ फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो देखो sin x सबसे पहले मैंने क्या बोला कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होता है, जब वो वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। तो sin x जो है वो इज इक्वल टू जीरो, जब वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल, फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशियल। तो sin x में कौन सी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू एन पाई, मतलब कि डिफरेंशियल यहाँ पे sin x की वैल्यू क्या होगी, एन पाई, मतलब ये वाला अगर वैल्यू x इज इक्वल टू एन पाई होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल नहीं होगा, डिफरेंशियल नॉट कॉन्टिन्यूस। नाउ 2x-1 भी है, इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू वट 1/2, मतलब कि ये दोनों वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशियल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट, फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट व्हाट, एट x इज इक्वल टू एन पाई एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनके नोट कर लें इनको। क्वेश्चन नंबर, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चे, है ना, 11 वी हैव कम्प्लीटेड हियर। टेन x इज इक्वल टू दिस, कॉन्टीन्यूटी चेक द कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। टेन x को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, साइन x अपॉन cos x, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर पार्ट मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना, डिनोमिनेटर पार्ट, इट मीन्स cos x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों के लिए। तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए भैया, 2n+1π/2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि अगर ये, अगर x इज इक्वल टू 2n+1π/2 लोगे, अगर x की वैल्यू 2n+1π/2 लोगे तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि देखो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों डिफाइनेबल नहीं होते हैं जहाँ पे अगर डिनोमिनेटर पार्ट जीरो हो जाए। अगर डिनोमिनेटर बिकम जीरो, इट मीन्स द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एंड ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट cos x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो cos x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2n+1π/2। अगर ये वैल्यू x की वैल्यू अगर ये चूज करोगे तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा और कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। ये चीज़ आप ऐसे एक नोट कर सकते हो कि देखो ये भी क्या है, मोड, ठीक है, मोड फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। ये भी क्या है, मोड फंक्शन, ये भी क्या है, मोड फंक्शन। देखो मोड फंक्शन माइनस मोड फंक्शन, मतलब कि एक तो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है और कॉन्टिन्यूस से कॉन्टिन्यूस माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस ही मिलेगा। तो ये फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉस एक्स की मैंने आपको बोला, ये भी कॉस एक्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। साइन एक्स भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये बस ऐसे रिकॉलिंग है। सो ओवरऑल देखो बच्चे, मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्राई करा है कि आपको चीज़ों को समझा दूँ थोड़ा बहुत, मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी क्लियर करा। ओवरऑल देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मुझे पता है कि आपको कुछ ना कुछ डाउट होगा, या तो मेरी स्पीड थोड़ी सी हाई होगी, या फिर आपकी हो सकता है कि वो शायद बेसिक चीज़ें आपको ना समझ में आए हो, या फिर किसी ने आपको नहीं बताया हो। तो मेरा ये कहना है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है कि आप क्वेश्चंस को देखें और जो मैं कह रहा हूँ ना, उन मेरी बातों को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। मेरी बातों को अगर आप समझ जाओगे ना, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो बार बार रिपीट करके देखो, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो आपके ही अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कहता, है ना, मैं आपके ही माइंड से सोचता हूँ कि बच्चे क्या सोचते होंगे इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि इनको यहीं पे डाउट आएगा।
तो मैं उस चीज़ को बार बार क्लियर करता हूँ, मैं तीन चार मेथड से बोलने की कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीज़ समझा दूँ मैं अच्छे से, राइट। सो ओवरऑल मैं ट्राई तो करता ही हूँ, बट वो तो आपके ऊपर, ये हर इंसान का माइंड अलग अलग होता है ना, किसी को समझ में आ जाता है, किसी को समझ में नहीं आता है, बट मैंने ट्राई करा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर डाउट क्लियर करूँगा। मैं सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर भी कर रहा हूँ मैं, है ना। सो वन मार्कर बेस्ड कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी हम एंड करते हैं यहाँ पे। सेकेंड पार्ट में हमारे पास आएगा टू मार्कर बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।